हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पे आपका फिर से एक बार और स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप अपने ट्विटर के फॉलो बटन को या तो फिर ट्विटर की प्रोफाइल को किस तरीके से अपनी वेबसाइट में आप लोग उसे एम्बेड कर सकते हो, दिखा सकते हो वहां पे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हुए हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आए हैं तो अभी ही जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे नए कुछ वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं आज को आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने ट्विटर के कोड को, ट्विटर के बटन को एम्बेड करेंगे ब्लॉगस्पॉट में। तो पहले आपको, सबसे पहले आपकी जो ट्विटर आईडी है उसको लॉग इन कर लो, या तो फिर उसको, उसकी लिंक हमें चाहिए पहले। तो सबसे पहले ये लिंक को आप पहले कॉपी कर लीजिए। जैसे ही कॉपी कर लो, उसके बाद आपको ये जो एक वेबसाइट है, इसके लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। publish.twitter.com करके वेबसाइट है, उसको आप खोल लेना है। जैसे ही यहाँ ये साइट को आप खोलोगे, कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने खुल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको, आपकी यहाँ लिखा हुआ है कि एंटर अ ट्विटर यूआरएल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन है, वहां पर भी एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, कि या किस तरीके से आपको कौन सा रिजल्ट डिस्प्ले करना है। एक ट्वीट को डिस्प्ले करना है, प्रोफाइल को डिस्प्ले करना है, लिस्ट को डिस्प्ले करना है, या तो किसी की और के ट्विटर की आईडी को डिस्प्ले करना है, ट्विटर की आईडी को डिस्प्ले करना है, हैशटैग जितने आते हैं उसके रिलेटेड उसके वैसे पोस्ट को डिस्प्ले करना है। तो बेस्ड ऑन आपकी चॉइस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो पहले आपको बोला था कि कॉपी मैंने यूआरएल कर ली है अपनी प्रोफाइल की, तो इसे यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी करके, या तो फिर यहाँ पे आप सेम तरीके से राइट क्लिक करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो अपनी यूआरएल जो मैंने ऑलरेडी कॉपी की थी। इसके बाद आपको यहाँ पे बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एम्बेड टाइमलाइन, तो यहाँ पे ब्रीफ टाइमलाइन भी आपको मिलेगी, यानी कि आपकी यहाँ पे कुछ मैं दिखा देता हूँ आगे। और यहाँ पे फॉलो बटन, ट्विटर का अगर आपको फॉलो बटन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। पहले हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्विटर का बटन को भी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले एम्बेडेड ट्वीट टाइमलाइन पे एक बार क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका ये डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्वीट्स बाय हेल्पिंग हैंड्स डिज, ये मेरा प्रोफाइल है, तो ये मेरी जो इतनी भी ट्वीट्स है यहाँ पे नीचे आ गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओके, पर यहाँ पे हम कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकेंगे। यहाँ पे आपको एक कोड मिल गया है, जैसे क्लिक करोगे वो कोड कॉपी हो जाएगा, मगर ये साइज जो है वो बड़ी दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, तो उस पे आपको एक बार और क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो आप अपनी हाइट एंड विथ के हिसाब से, जिस तरीके से आपको वेबसाइट पे कंटेंट डिस्प्ले करना है, वो उतनी हाइट और विथ आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 300 बाय 300 का विजेट मैं रखने वाला हूँ साइड बार पे, तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। हाउ वुड यू लाइक दिस टू लुक, डार्क या लाइट, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डार्क किया, पर यहाँ पे लाइट ऑप्शन अच्छा रहेगा, तो मैं लाइट कर देता हूँ। व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू डिस्प्ले दिस इन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये आप अनेबल करना है तो कर सकते हो, या तो फिर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट के बटन पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से दिखता है। ये आउटपुट सेम आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे दिखेगा इस तरीके का। तो यहाँ से आपको सिंपली कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर आप, जैसे मैंने बोला कि मैं ब्लॉगस्पॉट पे करने वाला हूँ, तो मैं मेरे ब्लॉगस्पॉट पे चला जाता हूँ, ऑलरेडी लॉग इन है। वहां से आपको लेआउट के ऑप्शंस में जाना है। लेआउट के ऑप्शंस में जैसे ही जाओगे, लेआउट पे एक बार क्लिक कर लो, कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने खुल जाएगा। जहां पर भी आपको ये कोड ऐड करना है, वहां पे जाके सिंपली आपको एक बार ये कोड पेस्ट करने, अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से, आप अपने डेवलपर से भी पूछ सकते हैं, तो या तो फिर आप अगर मुझे
कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिंपली एक बार साइड बार पे मुझे ऐड करना है, ऐड अ गैजेट विजिट कर दिया। यहाँ पे क्लिक जैसे करोगे, यहाँ पे हमारा कोड HTML/JavaScript करके है, वो ब्लॉक को ऐड करना है, तो एक बार सिंपली प्रेस कर लो। जैसे ही यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ पे लिख देने का कि फॉर ट्विटर टाइमलाइन और आपका कोड नाम डिजिटल हेल्पिंग एंड्स, और यहाँ पे कंटेंट वाले विंडो में आपने जो कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे उसके बाद आपको क्लिक सेव का बटन करना पे क्लिक करना है, और ये मेक श्योर ये आप यहाँ से सेव भी करना ताकि आपकी जो ओवरऑल थीम है वो भी सेव हो जाए। तो जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेविंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेव हो गया। और यहाँ पे मैं व्यू ब्लॉक पे एक बार क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं व्यू ब्लॉक पे एक बार क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे शो हो रही है, पर अभी रिजल्ट जितना अच्छा हमें चाहिए उतना मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाके फिर से एक बार इसको कैंसिल करते हैं, सेट कस्टमाइजेशन करते हैं, और यहाँ पे जाके हम 600x600 का कर लेते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से ही जाके अपने कोड में अगर आपको डायरेक्ट चेंज करना है तो यहाँ से जाके फिर आपको ये वाला कोड को एडिट करना है जहाँ पे आपने कोड को पेस्ट किया। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट जो रखी है उसे 600x600 हम करके एक बार देख लेते हैं। सेव कर लो इसे, और अभी हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो ट्वीट्स है वो एकदम प्रॉपर वे में अभी खुल रही है। ओके, तो मेक श्योर और ये आप एक बार चेक कर लेना, या तो फिर ये लोडिंग का भी इश्यू कोई बार हो सकता है। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे अपने ट्वीट्स को एम्बेड कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ट्विटर का फॉलो बटन, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, तो यहाँ पे ऐसा बटन भी आप ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको ये वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर लो, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ट्विटर बटन्स करके, ट्विटर बटन्स पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देख लो आपको फॉलो बटन में ऐड करना है या तो फिर मेंशन बटन ऐड करना है। तो इस तरीके से ही आपको अगर फॉलो बटन ऐड करना है तो फॉलो पे एक बार क्लिक कर लो, यहाँ पे लार्ज हाई यूजर नेम को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो तो यूजर नेम हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हाउ वुड यू लाइक बटन डिस्प्ले, तो लार्ज बटन आपको डिस्प्ले करना है तो लार्ज पे क्लिक कर लो, और उसके बाद अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिए, जो वो ही कस्टमाइजेशन थे। तो यहाँ से सिंपली आपको कोड को कॉपी कर लेना है, उसके बाद यहाँ जाके मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही अपडेट कर लिया है, पर इसको भी एक बार फिर से यहाँ पे मैं रिमूव करके यहाँ पे डाल देता हूँ और सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो मैंने बोला था थीम को सेव करना भूलना मत, एक बार सेव कर लो। सेव करने के बाद आप अपने ब्लॉग पे या तो अपनी वेबसाइट पे ये कोड को रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आउट दिख रहा है आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे फॉलोअर्स ऑन ट्विटर का मिल गया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप सब लोग भी इस तरीके से आपके ट्विटर को एम्बेड कर सकते हो। होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर ये रहा है तो अभी इसे लाइक कर दो, कमेंट करना भूलना मत, और हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।